आप देख रहे हो बेलारूस का बॉर्डर। रात के 1:30 बजे हैं। चैलेंज मिला था दोस्तों से कि आज किसी इंटरनेशनल बॉर्डर पे कॉफ़ी पीनी है। हाथ में अमेरिकाना, हॉट मलक को, ग्रियाचा मलक को, और बेलारूस बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। तो हम उस तरफ जा नहीं सकते। मेरे पास बेलारूस का वैलिड वीज़ा भी है, सब कुछ है, मेरे फ्रेंड के पास भी वीज़ा है, बट बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया जा रहा है। तो इंटरनेशनल कॉफ़ी जो इन्जॉय कर रहे हैं इस टाइम बॉर्डर पे। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि पता है तुम्हें, रात को हम लेट पहुंचे थे और अभी सुबह इस होटल में थे। होटल बड़ा ओल्ड स्टाइल सा होटल है, ट्रेडिशनल सा होटल है, इस शहर का बड़ा प्यारा होटल है। इसका लिंक booking.com पे आपको मिल जाएगा। होटल का नाम नहीं मुझे समझ आया क्या था। हाँ, ध्रुजबा होटल इसका नाम है, और बड़ा ट्रेडिशनल होटल है। ओनली 300 grivna पर नाइट। ओके, तो अभी हम फिर दोबारा बॉर्डर की तरफ निकल रहे हैं। अगला शूट बॉर्डर पे देखते हैं और बॉर्डर पे मिलते हैं, चाय बॉर्डर पे, कॉफ़ी बॉर्डर पे। ओके, ये होटल के बाहर का व्यू है। 60 किलोमीटर यहाँ से गोमल है, बेलारूस का पहला शहर है, और बॉर्डर से अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर है। अभी हम पहले बॉर्डर पे जाएंगे। बॉर्डर का जैसा कि हमने आपको बताया था, अभी हम बेलारूस बॉर्डर पे जा रहे हैं। बेलारूस बॉर्डर पे हम पहुंच चुके हैं। अभी हम यूक्रेन की बॉर्डर के अंदर खड़े हुए हैं। पीछे बेलारूस बॉर्डर है। अभी आप देख रहे हो सारी गाड़ियां वापस आ रही हैं, वहां से लोग वापस आ रहे हैं यूक्रेन में, लेकिन हम यहां से जा नहीं सकते क्योंकि बेलारूस ने भी अपनी एंट्री बंद कर दी और यहां से एग्ज़िट भी बंद हो चुका है। ओके, तो कॉफ़ी तो रात को हमने पी ली थी, तो अभी हम चलते हैं कहीं पर इंजॉय करते हैं। ये देखिए पीछे गाड़ियाँ जा रही हैं, और ये मेरे पीछे का व्यू है सारा। ये जैसा कि बॉर्डर के ऊपर कैफेज़ हैं, ये यहाँ पर गाड़ियाँ हैं, यहाँ पर भी टैक्सीज होती हैं। क्वारंटाइन की वजह से खाना नहीं मिल रहा था बाहर, पर हमें खाना किसी ने अरेंज कर दिया, रेस्टोरेंट को बाहर से लॉक किया हुआ, और हमें अंदर खाना मिल चुका है। और अभी हम ब्रंच कर रहे हैं ट्रेडिशनल फूड के साथ। ब्लू लेक, मूनशाइन लेक, ब्लू लेक इस जगह का नाम है। ओके, यहाँ पे छोटे छोटे रूम्स अवेलेबल हैं, आप देख रहे हो जैसे कि, पर अभी सब कुछ बंद है। ये लेक बेलारूस बॉर्डर के पास में है। यहाँ से जो बॉर्डर का किलोमीटर एरिया है, अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर के आसपास का एरिया है, और पानी आप देख रहे हो ब्लू वाटर है यहाँ। ऐसी और बहुत सारी लेक्स हैं जो मैं आपको धीरे धीरे बारबेक्यू विजिट करके आपको वह लेक्स भी दिखाऊंगा। यूक्रेनिया सिलो, यूक्रेन का गाँव। और ये पुराने ढंग से जैसे पानी को भरा जाता था, हमारे यहाँ कुएं से जैसे पानी निकालते थे। पानी की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। कैसा है भाई पानी? हेलो दना, फुल
छोटा सा ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट। बारबेक्यू के लिए पूरा सिस्टम है यहाँ पर। वुडन हाउसेस बने हुए हैं बारबेक्यू के लिए। गांव में, और ये गांव में जब शाम को बैठ के सब लोग खाना खाते हैं तो ऐसा व्यू होता है। ट्रेडिशनल ड्रेस के अंदर ट्रेडिशनल दविश का ओके स्पसीबा।